नागरकांटा राज्य में भाजपा सरकार द्वारा जितने भी प्रकल्प योजनाएं लाई गईं, वह सभी नाम बदल कर बंगाल खुद के नाम से चला रहा है। इसके विरोध में भाजपा सड़क पर उतर कर विरोध करेगा। आज रविवार को नागरकांटा में एक गैर सरकारी भवन में भारतीय जनता पार्टी जलपाईगुड़ा जिला कमेटी की कार्यकारी बैठक में सिद्धांत लेने के साथ ही संगठन को मजबूत करने का परिकल्पना लिया गया। भाजपा ने राज्य सरकार के विरोध में आरोप लगाया कि चाय बागान में चाय श्रमिकों का 15% चाय मजदूरी बढ़ाया गया व श्रमिक इच्छा के विरुद्ध में उनके ऊपर एक तरफा सिद्धांत लिया गया है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर विस्तार से। आपके सामने माननीय सांसद डॉक्टर जयंतोदा है, हमारे रायगंज के राज्य कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर श्रीमान डॉक्टर बाबूलाल जी था, जिला सभापति श्रीमान बापीदा था और यहाँ के जनरल सेक्रेटरी मनोज दा, सुनीता दी, हमारे पुरातन विधायक सुखराम मुंडा जी, ऐसे सभी जिला के पदाधिकारीगण, मंडल के पदाधिकारीगण एवं मोर्चा के पदाधिकारीगण सभी मौजूद थे। आज का नगराकाटा का जो जिला कार्यकारिणी का बैठक था, इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आगामी आने वाले दिनों में हमें किस तरह से इस राज्य से दुर्नीति की सरकार, भ्रष्टाचार के सरकार और जो गरीब कल्याण के विरुद्ध में जो सरकार काम कर रही है उनको किस तरह से इस राज्य से उखाड़ कर फेंका जाए और इस राज्य में बंगाल के जनता का सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से स्थापित किया जाए, इस बारे में बहुत गहरे से चिंता की गई। एवं हमारे तराई डुवर्स में चाय बागान का इलाका में ये कुछ ही दिन पहले जो यहाँ के चाय बागान के श्रमिकों को जो धोखा दिया है, मात्र 15% वेतन की वृद्धि करके, इसका हमने घोर विरोध किया और इसको अगला दिन आने वाला दिन में हमारी सरकार आकर जिला जिला कार्यकारिणी शुरू हुए थे, नतून कमिटी गठन हुए थे, विभिन्न मंडल कमिटीओ तैरी हुए थे, একটা সাংগঠনিক বৈঠক এবং এখানে সমস্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশেষ করে সাংগঠনিক কাজ এবং আগামী দিনের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়েই কথা হয়েছে। মেইনলি দেখুন, আমাদের তো সারা বছরই চলতে থাকে, কোনো না কোনো কার্যক্রম চলতেই থাকে। এই মুহূর্তে আমাদের যেটা চলছে যে বুথ সশক্তিকরণ অভিযান, তো সেটা চলছে। তো এটা কিন্তু আমাদের সবসময় যে আমরা ভোট কেন্দ্রিক ইয়ে করি, সংগঠন করি তা না, আমাদের তো সারা বছর ধরে বিভিন্ন রকম কার্যক্রম চলতেই থাকে। তারই বিভিন্ন রকম কার্যক্রমের মধ্যে এটা একটা কার্যক্রম যে কার্যকারিণী করতে হবে সারা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাতে। শুনতে পাচ্ছি না, এটা হচ্ছে জলপাইগুড়ি সমস্ত বিধানসভা যেগুলো জলপাইগুড়ি সাংগঠনিক জেলার মধ্যে আছে, সমস্ত জেলাকে, সমস্ত জেলার কর্মীদের নিয়ে, বিশেষ করে দায়িত্বপ্রাপ্ত যারা কর্মী তাদেরকে নিয়ে এই সভাটা হলো। এই সিদ্ধান্ত দেখুন, এখানে তো আমি একটু আগে পৌঁছলাম, কারণ আমার রাজধানী এক্সপ্রেসে আসতে একটু দেরি হলো, তো সমস্ত ব্যাপারটা এখনো জেনে উঠতে পারিনি। আমাদের যারা নাগরাকাটা সি অমিত ছত্রিকের রিপোর্ট।